अब इस लॉकडाउन में जो सबसे बड़ी परेशानी हमें हो रही है वो है घर के खाने पीने के सामान की। उसी में से एक है ब्रेड। बच्चे घर में हैं और वो ब्रेड की चीजें मांगते ही रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबसे आसान तरीके से इंस्टेंट बनने वाली गेहूं के आटे की ब्रेड। गेहूं के आटे की ब्रेड आप झटपट घर की सिंपल सामग्री से फटाफट बना सकते हैं, बिना किसी ईस्ट, बिना किसी फर्मेंटेशन, बिना मोल्ड, बिना अवन, बिना अंडा, बिना मैदा। एकदम आसान तरीके से झटपट आपकी गेहूं के आटे की हेल्दी, टेस्टी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी जालीदार ब्रेड तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंस्टेंट गेहूं के आटे की ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बर्तन या बोल। उसमें मैं ले रही हूँ 3 कप गेहूं का आटा। कोई भी घर का चाय वाला कप सेट कर लीजिए, पूरा मेजरमेंट आप उसी अनुसार ले लें। एक बार आटे को छान लें और इस तरह से आप 3 कप आटा ले लें। ऐसे तो ब्रेड बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, हमें ईस्ट की जरूरत पड़ती है या एक्टिव ईस्ट हम लेते हैं, लेकिन आज जो मैं रेसिपी बता रही हूँ इसमें कोई भी हम ईस्ट नहीं लेंगे, सिंपल तरीके से आज इस ब्रेड को बनाएंगे। अब आटे में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने मिक्सी में पीस करके ऐसे पाउडर बना लिया, तो ये मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा हम सभी के घर में होता है। क्योंकि हम ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम यहाँ ले रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच खाना सोडा। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो हम केक में यूज करते हैं ना, बस ये वही वाला है। तो ये है 1 छोटी चम्मच, ये हो गई 1/2 छोटी चम्मच, तो 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। वो ऐसे वाले बॉक्सेस में आता है ना बेकिंग पाउडर, ये मैंने वो डाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो क्या करें। मैंने यहाँ 1/2 छोटा चम्मच खाना सोडा लिया है, आप 1 छोटी चम्मच लें खाना सोडा अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो। साथ ही 1 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट, जो ऐसा रेगुलर होता है ना इनो फ्रूट सॉल्ट, अगर वो है तो साथ में आप इसको भी डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ये भी नहीं हो तो आप 1 छोटी चम्मच जब खाना सोडा लें तो उसके ऊपर 1 छोटी चम्मच ही नीम का रस निचोड़ दें, वो भी वैसे ही काम करेगा। बेकिंग पाउडर हो तो बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास सिर्फ बेकिंग पाउडर है, खाना सोडा नहीं है, यानी बेकिंग सोडा नहीं है, तो आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर उस कंडीशन में 2 छोटी चम्मच डालें। मैंने 1.5 डाला है ना, अभी आप 2 डालें जब बेकिंग सोडा ना हो। अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जब आप ईस्ट डालते हैं तो अच्छी तरीके से आपको एक तो नीडिंग करनी होती है, उसे 6-7 घंटे के लिए फर्मेंट होने रखना पड़ता है, तो वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बिल्कुल ईस्ट जैसा काम करेंगे, हल्का फुल्का टेक्सचर में डिफरेंस आता है, लेकिन जो राइजिंग है यानी जो फूलती है और जो उसकी जाली बनेगी परफेक्ट बन जाएगी, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया रहेगी, बिल्कुल ब्रेड जैसी। तो मैंने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। ये मैंने लिया है 2 कप दही, बिल्कुल पतला दही है, जो मठा होता है, जैसे आप बटर मिल्क बोलते हैं इंग्लिश में, ये बिल्कुल वही है। आप 4 से 5 चम्मच दही लीजिए और उसमें बाकी पानी मिला लीजिए। और कप के लिए मैंने मेजरमेंट के लिए जो कप सेट किया था इसके अनुसार मैंने पूरा 2 कप तैयार कर लिया, यानी 4-5 चम्मच आप दही लेकर उसमें पानी मिला करके ऐसा होना चाहिए कि इस कप से 2 कप हो जाए। और पतला करके अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आटे में मिक्स करेंगे और एकदम स्टिकी इसका आटा लगाएंगे, यानी चिपचिपा सा, उंगली में चिपकना चाहिए ऐसा, सॉफ्ट और स्टिकी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें कितना लेना है। अब यहाँ पर अगर आप मान लीजिए दही यूज नहीं करना चाहते या दही नहीं है, तो आप 2 कप जो आपने कप सेट किए हैं उसी से हल्का गर्म दूध ले लें, तो दूध से भी आप आटे को गूंथ सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप आसानी से, जिसके पास जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप बढ़िया सी ब्रेड तैयार कर पाए। जब आप ईस्ट से ब्रेड बनाते हैं तब बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत देर तक उसको गूंथना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, लेकिन इसको बस हल्के हाथ से आप मिक्स कर लीजिए कि बंद जाए, बहुत नीडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल चिपका चिपका ऐसा हमें इसका आटा लगाना है, बिल्कुल भी प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से। जैसे मैंने यहाँ पर 3 कप आटा लिया है, अगर आप व्हाइट ब्रेड बनाना चाहते हैं तो आप 3 कप मैदा ले लें। और देखिए जितना मैंने क्वांटिटी ली थी बटर मिल्क की यानी दही की, वो पूरी इसमें यूज हो गई है और इस तरीके की कंसिस्टेंसी है, देखिए चिपका चिपका सा। अब यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच के बराबर ऑयल। देखिए मैंने ऑयल भी अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे बिल्कुल रखेंगे नहीं, फटाफट
तैयारी करते हैं आगे की। अब ये मैंने ले लिया है केक टिन, इस तरीके का लंबे वाला मेरे पास केक टिन है तो मैं ये ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बर्तन, कोई भी टिन, जिस भी शेप का हो वैसा ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी भी प्रकार का टिन नहीं है तो आज मैं आपको गिलास में भी बनाकर दिखाऊंगी कि आप गिलास में भी कितनी प्यारी प्यारी स्वीट सी अपनी आटा ब्रेड तैयार कर सकते हैं जो बच्चों को बहुत ही लुभाएंगी। तो पहले मैं बता देती हूँ आपको टिन में, तो आप सबसे पहले टिन में डालिए थोड़ा सा ऑयल और इसको हम बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि बाद में हम ब्रेड को आसानी से निकाल पाएं। ऑयल, घी, बटर आप कुछ भी ले सकते हैं। बेकिंग ट्रे को मैंने पूरा अंदर से ग्रीस कर लिया है ऑयल लगा करके। अब केक टिन में हम पूरे आटे के मिक्स को डाल देंगे, इस प्रकार डालेंगे कि ये पूरा ना भरे, ये 3/4 ही हम भरेंगे क्योंकि फूलेगा भी ना, तो उसके लिए हम ऊपर स्पेस छोड़ेंगे। और इस तरह से पूरे बैटर को डाल करके हम थोड़ा सा चम्मच या स्पैटुला की मदद से इसको थोड़ा ठीक कर देंगे, यानी स्प्रेड कर देंगे बराबर। और ये देखिए मैंने इसको पूरा इस तरह हल्का हल्का स्प्रेड करके थोड़ा स्मूथ कर दिया है जिससे हमारी ब्रेड ऊपर से स्मूथ बने। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा घी का ब्रश, आप चाहें तो ऑयल लगा लें ऊपर हल्का सा, या सिंपल दूध में ब्रश को डुबोएं और दूध भी स्प्रेड हल्का सा कर सकते हैं जिससे जो ब्राउनिंग होती है ना, यानी कि अच्छा कलर ऊपर आ जाए। तो मैंने इस तरह से हल्का सा घी इसके ऊपर लगा दिया है। तो आज हम इस ब्रेड को बेक करेंगे बिल्कुल बिना ओवन, यानी कढ़ाई में, एकदम देसी स्टाइल कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो मैंने पहले ही गैस पर कढ़ाई को रख दिया था प्री हीट होने के लिए, यानी गर्म होने के लिए। उस पर मैंने एक ढक्कन लगा दिया था और मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को बढ़िया से गर्म कर लिया, इसमें से काफी अच्छी हीट आ रही है। ये मैंने लगाई है एक छोटी प्लेट जिससे कि हम अपने टिन को इसके ऊपर रख पाएं। आप यहाँ पर कटोरी या कोई भी इस तरीके का स्टैंड हो वो भी रख सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया, तो अब ये ओवन जैसा काम करेगी। इस तरह से हम रख देंगे हमारा केक टिन, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सफेद वाला तिल, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो डालें वरना इसके बगैर भी बना सकते हैं। देखते हैं ना, मार्केट की ब्रेड पर साइड साइड में लगा रहता है, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ और इसको हम कवर कर देंगे एक बढ़िया से किसी ढक्कन यानी लिड से। मेरा ये वाला बर्तन इस पर बिल्कुल फिट हो रहा है, कोई भी स्टीम बाहर नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि बढ़िया से बेक हो। अगर यहाँ साइड से स्टीम निकलती रही तो उसे बहुत समय लग जाएगा बेक होने में। और अब हम यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर लगभग 25 से 30 मिनट तक इसी प्रकार हम अपनी ब्रेड को बेक होने देंगे। जरूरी पॉइंट, आप बिल्कुल सही ढक्कन लगाइए, स्टीम बाहर नहीं जानी चाहिए, समय ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सभी की गैस की फ्लेम, कढ़ाई का बेस, सब चीजों पर टाइम डिपेंड करता है। तो आप बीच में चेक कर लें, अब टाइम हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी लग जाए और हो सकता है थोड़ा पहले भी हो जाए आपकी ब्रेड बेक, तो आप इसे ध्यान रखें। एक चीज और, अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में लगभग आपको 30 मिनट के लिए इसको बेक करना होगा। तो चलिए अब बनाते हैं ब्रेड बिना मोल्ड के। तो ये मैंने ले लिए सिंपल स्टील के ग्लास जो हम घर में यूज करते हैं ना पानी पीने के लिए, सिंपल वही ग्लास मैंने लिए हैं। आप चाहें तो कटोरी ले सकते हैं, स्टील का कप ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना लें। थोड़ा थोड़ा डालते हैं ऑयल जिससे हम इन ग्लासेस को अंदर से अच्छी तरह चिकना कर पाएं, यानी ग्रीस कर पाएं। ग्लास को बढ़िया से कर देते हैं इस तरह से ग्रीस। मैंने ब्रेड के लिए आटे का मिक्सचर और तैयार कर लिया था, तो बिल्कुल उसी प्रोसेस से अब हम ग्लासेस में बैटर को इस तरह डालेंगे। याद रखिए ग्लासेस को हमें ऊपर तक बिल्कुल नहीं भरना है, सिर्फ 3/4 ऊपर की स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हमारी ब्रेड अभी फूलेगी। और ये देखिए मैंने ग्लास को 3/4 भर लिया है, ऊपर का मैंने खाली छोड़ा है। बिल्कुल इसी तरह हमें ग्लासेस को तैयार करना है। थोड़ा सा ऑयल या घी का ब्रश या दूध का ब्रश इस तरह ऊपर लगा दें। मैंने थोड़ा सा लगा दिया इस पर ऑयल और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ ये सफेद वाले तिल। आप चाहें तो यहाँ पर ओट्स भी डाल सकते हैं, देखा है ना, ओट्स वाली ब्रेड भी मिलती है, तो चाहें तो ऊपर से ओट्स डाल लें या प्लेन भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम दोनों ग्लासेस को तैयार करेंगे। तो मैंने तीनों ही ग्लास तैयार कर लिए हैं, तो बस अब इनको हम बनाएंगे कुकर में, यानी आप एक ही वीडियो में दोनों देख पाएंगे कि कुकर में कैसे बनाएं और कढ़ाई में। तो मैंने कुकर को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया था लगभग 8-10 मिनट के लिए। विसिल और इसके अंदर की जो गैस्केट होती है यानी रबर होती है वो मैंने हटा दी है। कुकर अभी बहुत गर्म है, कोई भी स्टैंड या घर की कोई भी प्लेट ले लें और उसको अंदर जो फिट हो जाए वो लगा दें। और अब इस प्लेट पर हम रख देंगे ग्लासेस, जितने आ जाएं उस हिसाब से आप रख दें। याद रखिए ये बैटर तैयार होने के बाद आप इसे फिर रख नहीं सकते, आपको ब्रेड तुरंत ही बनानी है। अभी इसमें एक ग्लास की स्पेस और है तो मैंने एक और ग्लास तैयार कर लिया, तो टोटल 4 ग्लास इसमें आ गए हैं। इसको भी हमें लगभग 25 से 30 मिनट के लिए बेक करना है। ये ग्लासेस जैसे मैंने कुकर में लगाए हैं, आप अगर कढ़ाई में बनाना चाहते हैं सेम प्रोसेस से आप कढ़ाई में बना सकते हैं। तो अब मैं इस पर लगा देती हूँ ये ढक्कन,
फ्लेम को कर देंगे मीडियम, मतलब मान के चलिए थोड़ा सा लो मीडियम पे, और मैंने कुकर में अंदर कुछ भी नमक वगैरह नहीं डाला है। सिंपल इसी तरह से आपकी बढ़िया ब्रेड तैयार हो जाएगी। आप 20 मिनट बाद जरूर चेक कर लें कि ब्रेड आपकी सही से बेक हो रही है या नहीं। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है 20 से 25 मिनट ही लग जाए, हो सकता है 30 मिनट लगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरी रेसिपीज ट्राई करते हैं और उनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर उन रेसिपीज की पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो लगभग 30 से 35 मिनट हो गए हैं, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितनी बढ़िया, बिना ईस्ट, बिना मोल्ड, बिना किसी फर्मेंटेशन हमारी आटा ब्रेड तैयार हो गई। गेहूं के आटे से बनी ये ब्रेड जितनी हेल्दी है उतनी ही खाने में भी अच्छी बनती है। और आपने देखा आप ब्रेड बनाना कितना आसान है। तो बस अब एक लीजिए टूथपिक या नाइफ और इस तरह डालकर देखते हैं कि अंदर तक सही से बनी है या नहीं। देखिए पिक बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी कि हमारी ब्रेड एकदम बढ़िया बेक हो गई है। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा भी गीलापन लगे तो वापस 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक दीजिए। एकदम वाव लग रही है ना, बड़ी खुशी होती है कि जब फ्रेश ब्रेड बिना किसी प्रिजर्वेटिव वाली अपने हाथों से बनी हुई इस तरह तैयार हो जाए, वो भी इतनी जल्दी कम मेहनत में। कितना बढ़िया इसमें राइज आया, यानी फूली है हमारी ब्रेड बिना किसी ईस्ट ऑफ फर्मेंटेशन के। तो इसे निकालते हैं बाहर। अभी ये काफी गर्म है तो इसको हम अभी डीमोल्ड नहीं करेंगे, जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए इसको इसी तरह हम छोड़ेंगे। लेकिन इसके ऊपर एक ढक देंगे इस तरह से कपड़ा, जिससे कि ये एकदम से ड्राई ना हो जाए, इसका मॉइस्चर रिटेन रहे। फटाफट से अपने कुकर वाली ब्रेड को भी चेक कर लेते हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है। वाओ सुपर, ये देखिए क्या जबरदस्त हमारी ग्लास में आटे की ब्रेड तैयार हुई है। बच्चे देखेंगे ना खुश हो जाएंगे, यही वाली ब्रेड मांगेंगे। बहुत बढ़िया लुकिंग आ रही है। अब लेते हैं एक टूथपिक और इसे करते हैं चेक। परफेक्ट, एकदम बढ़िया हमारी ग्लास वाली ब्रेड भी तैयार हो गई है और इसकी लुकिंग कितनी सुंदर आ रही है। ये देखिए कलर में भी एकदम फैंटास्टिक और लुकिंग वाइज भी। और इसी तरह हम ये ग्लास वाली ब्रेड भी थोड़ी देर ठंडी होने देंगे, बहुत देर तक ग्लास में नहीं छोड़ेंगे वरना इसमें स्टीम की वजह से हल्का पानी आ जाएगा और ब्रेड खराब हो सकती है। हल्का सा लगा देती हूँ घी का ब्रश, जिससे कि इसका मॉइस्चर बना रहे और अच्छी शाइन और ये ड्राइनेस ना आए। और ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया ग्लास में ब्रेड लग रही है। किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि ग्लास में भी इतनी इंस्टेंटली आप बाजार जैसी सॉफ्ट ब्रेड बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। तो लगभग 1-1.5 मिनट हो गया है, इसे हटा देते हैं। और अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा घी, आप बटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे कि इसमें शाइन और इसका मॉइस्चर बना रहे। तो आप लीजिए एक नाइफ और धीरे धीरे इस तरह से इसको डीमोल्ड करें। जब ये हल्की ठंडी हो जाती है ना, अपने आप ही जो है टिन से अलग हो जाएगी। धीरे से पलटेंगे ब्रेड को और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी ब्रेड तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं इसकी साइड्स भी, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया बेक हो गई हैं। और ये मैं आपको घुमाकर भी दिखा देती हूँ। और बिल्कुल इसी तरह हम ग्लास की भी डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही जरूरी पॉइंट, बहुत देर तक आपको ग्लास में या टिन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि गर्माई की वजह से ये पानी छोड़ने लगते हैं, उसके बाद आपकी ब्रेड गीली हो जाएगी। तुरंत ही आप ग्लास से भी 1 मिनट बाद ही निकाल लें। और ये लीजिए, वाओ सुपर, क्या स्पॉन्जी हमारी जबरदस्त ग्लास में ब्रेड तैयार हुई है। बच्चे तो इतना खुश होंगे ना देखकर, उन्हें बिलीव ही नहीं होगा कि इतनी छोटी छोटी मिनी सर्किल ब्रेड्स भी बनाई जा सकती हैं। अब उनके लिए आप चाहे इस पर मिनी पिज्जा बनाएं या मिनी सैंडविचेस बनाएं या ब्रेड पकौड़ा बनाएं, गोल गोल सर्किल से मजा आ जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी, जब ये ठंडी हो जाएंगी ना पूरी तरह से तो और भी ज्यादा बढ़िया, और भी ज्यादा स्पॉन्जी हो जाएंगी। और इस तरह से बना करके अगर मान लीजिए आपको अभी यूज नहीं करनी है, आप लीजिए एक प्लास्टिक शीट या क्लिंग रैप, जैसे मैंने ले ली, और एक क्लिंग रैप से, अगर क्लिंग रैप ना हो तो कोई भी प्लास्टिक शीट हो साफ सुथरी वो ले लीजिए। आपके पास से पेपर नैपकिन हो तो उससे भी कवर कर सकते हैं, या फॉइल पेपर हो तो उससे भी। तो इस तरह आप इसे पूरा कवर करके फ्रिज में पूरे 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। जब यूज करनी हो निकालिए और इसी तरह कवर करके वापिस आप रख सकते हैं।
आसानी से आप इसे 4-5 दिन यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो मैंने अभी ग्लास में बनाई थी ब्रेड, उसको भी रैप करके रख दीजिए। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। एक नाइफ से अब इसे कर लेते हैं बिल्कुल ब्रेड स्लाइसेस की तरह कट, ये वाली स्लाइस इसको थोड़ा सा हम हटा देंगे और बस इस तरह इसकी कर लीजिए आप स्लाइसेस। माइनर सा टेक्सचर डिफरेंस रहता है ईस्ट की ब्रेड में और इस तरह से बनी इंस्टेंट ब्रेड में, लेकिन आपका ब्रेड का काम और उसका फ्लेवर वैसे ही करेगी। तो आप भी बनाइए और मैं दूसरी वाली भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से स्लाइसेस करके आप अपने किसी भी स्नैक्स में इसको यूज कर सकते हैं। और इसको भी हम कट कर लेंगे। और ये देखिए एकदम स्पॉन्जी और जालीदार हमारी ब्रेड बन गई है। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट एकदम जालीदार हमारे आटा ब्रेड तैयार हो गई। और ये लीजिए हमारी इंस्टेंटली आटे की ब्रेड है, मोल्ड के और बिना मोल्ड के बिल्कुल तैयार, कढ़ाई में भी कुकर में भी। सारे टिप्स, सारे ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप किसी भी तरीके से अपनी सुविधा अनुसार इस लॉकडाउन में आसानी से घर में आटा ब्रेड तो बना ही लेंगे। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 फ्रेंड्स ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।